रहे हैं केम्पला सनमार, इस पर अपनी राय दे सर, क्या करें इस इशू में? छोड़ दें दीप, जाने दें, अवॉइड करें। बहुत सारे आईपीओ हैं जो आपके पास ऑप्शंस हैं, तो ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं कि इस आईपीओ में पैसा लगाएं। फिर भी कुछ अच्छी बातें हैं, पहले वो समझ लें। मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत पुराना है, काफी लंबे समय से कंपनी के साथ काम करा है, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी लीडरशिप पोजीशन में है। जो प्रोडक्ट्स ये बनाकर बेचते हैं उनमें मार्केट लीडर है, तो प्राइसिंग पावर इनके पास में। तो बिजनेस मॉडल के लिहाज से देखेंगे और प्रमोटर्स के एक्सपीरियंस के लिहाज से देखेंगे तो समस्या नहीं है, और कल हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी। फिर मैं क्यों अवॉइड कर रहा हूँ? पहली चीज जो अवॉइड है सबसे पहले मेरे लिस्ट में, वो ये कि कंपनी ने 2012 में अपना शेयर डीलिस्ट किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से और साथ ही मद्रास स्टॉक एक्सचेंज से, और तब 15 रुपये में डीलिस्ट किया था। अब आप 15 रुपये पर डीलिस्ट करके वापस से 8-9 साल बाद में, 10 साल बाद में 550 रुपये के आसपास अपना आईपीओ लाते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि एक मन में वो सवाल तो आता ही नहीं कि फिर रिटेल इन्वेस्टर्स के तो उस समय नुकसान हो ही गया, नो डाउट तब समस्याएं रही होंगी जो भी है, कल मैनेजमेंट बता भी रहे थे। लेकिन वो डीलिस्ट होकर वापस वही कंपनी लिस्ट करवाना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। दूसरी बात यह है कि पूरा का पूरा एक तरह से आप समझिए, भले ही ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इश्यू है, लेकिन अल्टीमेटली पूरा पैसा प्रमोटर एंटिटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जा रहा है कर्ज कम करने के लिए आज से, और इश्यू के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घटकर 45% रह जाती है। इतनी बड़ी और इतनी एक साथ ऑफलोडिंग, और उसके ऊपर आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड डीलिस्टिंग का कंफर्ट नहीं देता। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस मॉडल खराब है, प्रमोटर्स खराब है, लेकिन जो एक्शन है प्रमोटर का वो थोड़ा सा कंफर्ट कम देता है। तीसरी बात एक और है जो डेटा के लिहाज से देखें, इन्होंने एक अपनी सब्सिडी कंपनी का एक्विजिशन किया जिसकी वजह से पिछला साल का फाइनेंशियल इनका बहुत तगड़ा आया, एकदम मुनाफा 10 गुना हो गया है ना, और मतलब एकदम से प्रॉफिट और सेल्स वगैरह के आंकड़े बड़े तगड़े आए, तो उसकी वजह से इक्विटी नेगेटिव है इनकी, नेट नेट इक्विटी नेगेटिव पर है 31 मार्च को 350 करोड़ की। वैल्यूएशन ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब जिसको देख के मुझे लगेगा अरे वाह क्या कंपनी है, क्योंकि इसका बिजनेस जो सीधे सीधे तौर पर कंपेयर करें तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के साथ में कंपेयर हो सकता है। फिनोलेक्स अगर मुझे इससे बड़ी साइज है, भले जो प्रोडक्ट ये बना रहे जिसमें 80% मार्केट शेयर इनके पास है, फिनोलेक्स के पास 20% है, तो फिनोलेक्स के पास दूसरे बिजनेस भी बहुत है, तो फिर अगर वैल्यूएशन के तौर पर फिनोलेक्स मेरे लिए है अवेलेबल, जो ज्यादा ट्रस्टेड कंपनी है, ज्यादा पुरानी कंपनी है, ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है, तो मैं क्यों ना जाऊं। ये इस कंपनी के वैल्यूएशन बहुत महंगे नहीं है, लेकिन ऐसे इतने सस्ते भी नहीं कि मेरे मुंह में पानी आए। इन सबको बेसिकली करना क्या चाहिए था, जो प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, इतनी बड़ी उनकी स्टेक वो बेच रहे हैं, 100% इनका जो शेयर होल्डिंग है वो घटकर 45% रह जाएगा, आप 55% कम कर रहे हैं, पुराना आपने डीलिस्ट किया है, पता है कि लोग सवाल उठाएंगे, तो फिर कंपनी को वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रखने चाहिए थे और नीचे रखने चाहिए थे। अब मैं एक चीज बहुत साफ बता दूं, मैं अवॉइड की राय दे रहा हूं डेटा और जो ये सारे फैक्ट्स के बेस पे। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि स्टॉक नीचे ही खुले, स्टॉक ऊपर भी खुल सकता है। आपको ये डिसाइड करना है कि शेयर को आपको प्राइस के हिसाब से खरीदना है या क्वालिटी या फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से। ये प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस है, बाद में आप कभी कोई ट्रोल न करेंगे अरे ये तो इतना लिस्ट हो गया, लिस्ट होने के बाद और बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल। लेकिन अगर हम एक फंडामेंटल कॉल लेना चाहें सारे फैक्टर्स को देखते हुए, तो मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस है, जरूरी नहीं कि मुझे इस आईपीओ में ही पैसा लगाना है, बहुत सारे आईपीओ दूसरे हैं, खुले हैं और खुलने वाले हैं, मौके बहुत मिलेंगे, तो जहां पर थोड़ा भी डाउट है तो व्हेन इन डाउट स्टे आउट, सिंपल सा मामला है, इसलिए हम अवॉइड की रेटिंग देंगे केम्पला सनमार को। जी दी बिल्कुल सर, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है, स्टे अवे, अवॉइड है, काफी सारे विकल्प हैं, इसी हफ्ते और विकल्प हैं आपके पास, तो वहां पर आपको मौके मिलेंगे। अच्छा, दूसरा आईपीओ जो आज खुल रहा है सर, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, इस पर आप क्या सलाह देंगे? उस पर सलाह दूं, उससे पहले हाँ, मैं एक डेटा गलत भूल गया कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 55% रह जाएगी, 45% उनका डाइल्यूशन है, तो 45% रहने के बजाय 55% रहेगी, डाइल्यूशन 45% है, तो 55% भी कोई मतलब ऐसा 45% का डाइल्यूशन अपने आप में, आजकल कौन से आईपीओ में आप 45% प्रमोटर को बेचते हुए देखते हैं, करेक्ट। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग एक साथ 45% बिकना अच्छा संकेत नहीं, स्पेशली जब आपने डीलिस्टिंग करवाया हो, स्पेशली जब आपकी नेगेटिव इक्विटी दिख रही हो, ये सारी चीजें। तो ये तो होगी बात आपके लिए केम्पला सनमार की, जहां अवॉइड की रेटिंग है।